तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप एक पीसी यूज़ करते हैं जिसमें वेबकैम नहीं है, आपको वेबकैम ज़रूरत है लेकिन आपका पैसा नहीं है या फिर आप लेना नहीं चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को एज ए वेबकैम यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है मोबाइल में तो आप डेटा केबल से कर सकते हैं, आपका अगर वाईफाई है घर में तो वाईफाई कनेक्ट करके डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई डिले नहीं, कोई क्वालिटी ख़राब नहीं होगा। जो बाज़ार में कम दाम का वेबकैम मिलते हैं उससे अच्छा एकदम आपके मोबाइल का क्लियरिटी वाला वेबकैम आपको मिलेगा, जिससे आप कहीं पे भी जहाँ पे भी वेबकैम का काम हो, आप स्ट्रीमिंग करते हो, आप गूगल मीट पे मीटिंग करते हो, जहाँ पे भी आप यूज़ करते हो आप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको दो डिवाइस चाहिए, एक है आपका पीसी और एक आपका एंड्रॉयड फ़ोन। आपके पीसी में भी कई स्टेप आपको फॉलो करने हैं और मोबाइल में भी आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं, तो मैं वो आगे धीरे धीरे दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप आपके कंप्यूटर में जाएंगे, वहाँ पे आपको ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र खोलने के बाद आपको ये वेबसाइट में आना है, वेबसाइट का नाम है dev47apps। यहाँ पे आप URL देख सकते हैं dev47apps.com। ये खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ड्रॉइड कैम, यूज़ योर फोन एज ए वेब कैम। ये सॉफ्टवेयर के जरिए हम हमारे एंड्रॉयड फ़ोन को या फिर टेबलेट को एज ए वेब कैम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप यहाँ पे डाउनलोड विंडोज क्लाइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर ये विंडो आएगा, फिर ड्रॉइड कैम क्लाइंट। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका लेटेस्ट वर्जन है 6.5.2। तो आप ये डाउनलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये सिर्फ 15 MB का फाइल है, ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड और इंस्टॉल भी होता है, एकदम लाइट वेट है। डाउनलोड होने के बाद इसको आप ओपन करेंगे, विंडोज परमिशन मांगेगा, परमिशन में यस करेंगे, फिर इसका सेटअप आप करेंगे। जितने भी नेक्स्ट आते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसमें आई एग्री करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल में क्लिक करना है। तो ये थोड़े देर में इंस्टॉल होता रहेगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे फिनिश आ रहा है, आप फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में ड्रॉइड कैम ऐप का सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ चुका है, इसको हम ओपन करेंगे। इसके बाद हमारा काम है फ़ोन में, तो मैं मेरा फ़ोन खोलता हूँ। आपके फ़ोन में सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो ऐप है ड्रॉइड कैम उसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो सर्च में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉइड कैम, देखिए आ गया ड्रॉइड कैम, इसको आप इंस्टॉल करेंगे, देखिए इंस्टॉल हो चुका है, इसको आप ओपन करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपका फ़ोन USB से कंप्यूटर से कनेक्टेड हो तो आप USB से कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपके पास वाईफाई है, तो आप आपका PC और आपका फ़ोन दोनों वाईफाई में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइस IP से दोनों डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों का सुविधा दिया गया है। तो एंड्रॉयड ऐप में यहाँ पे थैंक यू फॉर डाउनलोड ड्रॉइड कैम आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट करना है, फिर व्हाट इट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऐप कुछ परमिशंस मांगेंगे, जैसे कैमरा का इसमें आप यस करेंगे, फिर रिकॉर्ड ऑडियो का इस पर भी आप परमिशन देंगे इसको, फिर फोरग्राउंड सर्विस का बैकग्राउंड में चलने के लिए अलाउ करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको वाईफाई का IP दिखाई देगा, ये वाईफाई का IP आपको आपके कंप्यूटर में जब आप ड्रॉइड कैम क्लाइंट खोलेंगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे सामने है ये है कनेक्ट ओवर वाईफाई या फिर लैन, मतलब आपका अगर सेम वाईफाई में दोनों डिवाइस कनेक्टेड है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है कनेक्ट ओवर USB, आप अगर आपके कंप्यूटर में USB कनेक्ट करते हैं और मोबाइल में लगाते हैं तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे एरो दिख पा रहे हैं इसमें क्लिक करेंगे तो डिवाइस का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपको क्लिक करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। उसके बाद आते हैं क्रिएट वाईफाई सर्वर में। सबसे आसान तरीका है कनेक्ट ओवर वाईफाई या फिर लैन। इसमें आप क्या करेंगे, आपके मोबाइल में जो वाईफाई IP दिखा रहा है उसको आपको यहाँ पे लिखना है 192.1। आपका यहाँ पे दूसरा हो सकता है, आप जो भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं ऑडियो और वीडियो इसमें आप टिक करेंगे। आप अगर खाली ऑडियो ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो ऑडियो में क्लिक कीजिए,
अगर ऑडियो वीडियो दोनों चाहते हैं तो दोनों में क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर में देख सकते हैं और मोबाइल में भी देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल और पीसी दोनों कनेक्टेड हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप जब भी कोई ब्राउज़र आप ओपन करेंगे और यहाँ पे वेबकैम एक्सेस करेंगे, जैसे एक वेबकैम टेस्ट करने का एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबकैम टेस्ट लिखा हुआ है, वेबसाइट का नाम है webcamtest.com। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेक्टिंग मीडिया वेटिंग फॉर परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ करने को बोल रहे हैं, क्लिक टू अलाउ एक्सेस वेबकैम अनडिफाइंड डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम परमिशन मांग रहा है, यहाँ पे आप परमिशन देंगे अलाउ ऑन एवरी विजिट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सोर्स ड्रॉइड कैम 3 आ चुका है और 2 भी आ चुका है, तो 3 पहले क्लिक करता हूँ फिर टेक्स्ट माई कैम में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग योर वेबकैम प्लीज वेट, टेस्टिंग योर वेबकैम आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कैम में मेरा मोबाइल कैम से मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्लाइंट है यहाँ पे भी वही सेम चीज़ दिखा रहा है, इसको खाली आप मिनिमाइज करेंगे तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा डिवाइस यहाँ पे दिखा रहा है, मेरा मोबाइल से पीसी मेरा दिखा रहा है, और इसमें आप फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, बैक कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने जो मोबाइल का ऐप है उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ कुछ देर के लिए, अगर आपका स्क्रीन मोबाइल का स्क्रीन बंद भी हो जाए फिर भी ये काम करता रहता है, देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर में करेंगे तो इसमें चालू हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर में एज ए वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो देख के अगर आपको हेल्प हुआ है तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको अगर कुछ और मदद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम में मेरा चैनल है वहाँ पे जाके आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो में यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।